अच्छा बिस्तर से उठने का लैट्रिन वाटरिन सब बिस्तर पर होता है। तो तकलीफ अब उधर देखिए बना रहे हैं। तो बच्चे कितने हैं आपके? तीन बिटिया हैं, तीन बिटिया दो जने हम बच्चे। अच्छा ऊपर अंदर जाओ। कितने बच्चे हैं? पता नहीं सर अभी मैंने देना नहीं। अच्छा क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। अच्छा लक्ष्मी ये बताइए आप यहाँ पे क्या काम करती हैं? हम खाना बनाते हैं 2011 से। तो अभी आपकी सैलरी मिली कि नहीं मिली? अभी तो नहीं मिली। अभी नहीं मिली है, इस समय परेशानी भी बहुत है। अच्छा क्या? अरे हमारे पति चोट खाए गए, हम जीना पर से गिर गए तो उनका पैर का पूरा हड्डी मोच आएगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि हड्डी पीड़े खाए तो इसलिए उनको तकलीफ होती है। कमाया लकड़ी है तीन दिया है तो बस कमीन जो काम करी थोड़ा बस। आप ही ये पूरा घर चलाती हैं? तो कितनी सैलरी मिलती है आपको? 1500। तो अब क्या सरकार से क्या चाहती है, क्योंकि अभी दीपावली भी आ गई है। हम तो सोच रहे मिल जाते पैसा तो थोड़ा बड़ा कर्जा है वो दे दे तो अपन खर्चा भी चल जाते। अच्छा कर्जा भी आपके है? कर्जा लग अभी समय इसलिए है कि दवा पानी करी तो कर्जा लेते हैं हम बाहर इधर तब दवा लाई था। तो सरकार से क्या मांग करेंगे आप कि सैलरी के लिए? सैलरी के लिए भी यही कह रहे हैं कि मतलब पैसा मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा रहा। तो आप तो इतने बच्चों को खाना बनाती हैं और आज आप खुद परेशान हैं। आज आप क्या खाना नहीं है खाते बच्चों को? आपकी बार हम तो पैसा नहीं तो हम कोटा के राशन नहीं ले पाए। अच्छा राशन भी नहीं ले पाए। अभी यहाँ पे काम कर रही हैं? 2 साल हो गए। तो सैलरी आई कि नहीं आई? अभी सैलरी नहीं आई सर। कितने बच्चों को खाना बनाती हूँ यहाँ पे? अरे 80-90। अच्छा तो अपने बच्चों को खाना खिला पाती हो कि नहीं खिला पाती हो? खाना नहीं खिला पाते मैं। क्यों सर? जो है देर हो जाती है आने में, खाना नहीं खिला पाते हैं, बन नहीं पाता है, देर हो जाती है यहाँ आने के लिए जल्दी। तो रात में कैसे खाना खिलाती हो? रात में जाते हैं तो बनाते हैं, यहाँ से जब जाते हैं छुट्टी मिलती है। ठीक है बच्चों को भी देखना पड़ता है। अच्छा और सर ये लोग तो बच्चे हैं, इनके त्यौहार करवा ऐसे बीत गया तो सर कैसे काम चलेगा? और हड़ताल सर हम लोग कर नहीं सकते कि बच्चों का खाना। सर पहले तो मेरी मम्मी बनाती थी उनकी जगह पे, हम मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। अच्छा उनको तो 10 साल हो गया बनाते, उनके बाद से हम बना रहे हैं। तो कितने बच्चों को खाना बना रही हैं? सर 8 तो 98 हैं, किसी किसी दिन 150 तक हो जाते हैं। अच्छा तो आपके भी बच्चे होंगे तो फिर खाना ना उनको मिल पाता है? सर नहीं नहीं सर घर पे नहीं बना पाते हैं। अच्छा क्यों सर? टाइम हो जाता है यही 2 बज जाता है, जिस दिन सब्जी रोटी। अभी दीपावली आने वाली है फिर कैसे करेंगी आप? मिठाई और पटाखे बच्चे मांगेंगे तो पैसे तो है नहीं, क्या करेंगे तो फिर क्या करेंगे? सर सैलरी ये बोला जाता है मैम लोगों से कि मैम बात करिए आप क्यों नहीं आ रही है तनख्वाह। ये तो पूरे यूपी में नहीं है।